कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है। देखिए, सही कहा आपने कि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो ध्यान आया है कि हिमाचल प्रदेश में सभी मंत्रीगण और सीपीएस के साथ साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है दो महीने की सैलरी नहीं लेंगे या उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी। मुझे लग रहा है ये माननीय मुख्यमंत्री इस बात का, ये जिसको कहते हैं भूमिका तैयार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से बार बार उनका एक ही बयान आता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में खजाना खाली है, उसका रोना रोते रहे और प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, झूठी गारंटियां दी। अभी हाल ही में जो प्रदेश के कर्मचारियों ने अपने एरियर की बात करी, डीए की लेने की बात करी कि जो उनका हक बनता है उसको लेकर 10 कर्मचारियों को तो नोटिस हो उन्होंने जारी कर दिया। मुझे लग रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कोई भी कर्मचारी संगठन है प्रदेश में, वो प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इस तरीके से नोटिस देना, क्योंकि कर्मचारियों ने सरकार की जो है वो पोल खोली है कि इनके लिए दफ्तरों को घरों को सजाने में, उनकी रेनोवेशन करने में तो करोड़ों रुपए हैं। और आज जो इन्होंने कहा है कि प्रदेश के बधाईगण भी अपनी दो महीने की सैलरी जो है इसको छोड़ दें, मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर ये भी कह देते कि दो दर्जन जो कैबिनेट रैंक के साथ कोई ओएसडी बनाए हैं, कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, कोई एडवाइजर्स बनाए हैं, इतनी फौज जो खड़ी करी है जिनको 2.5-2.5 लाख रुपया सरकार के खजाने से उनको तनख्वाह दी जा रही है, उनको भी इशारा कर देते कि भाई आप भी दो महीने की सैलरी जो आपको नहीं दी जाएगी। मुझे लग रहा है कि कर्मचारियों के लिए साफ साफ संकेत इन्होंने मुख्यमंत्री ने दिया है कि आने वाले दिनों में इमरजेंसी जो है वो आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है और मुझे लग रहा है प्रदेश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले भी पैसे दिए, कर्मचारियों ने खुलासा किया है कि करोड़ों रुपए लैप्स हो गए जो खर्चे भी गए, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये नलायकी है कि सरकार इस तरीके से उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर पाई। पिछले साल डिजास्टर आया था, करोड़ों अरबों रुपया जो है वो सरकार के मुख्यमंत्री के पास जो है वो राहत कोष में है, उसका पता नहीं लगा कि कहां खर्चा गया। और ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है आने वाले दिनों के लिए मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है। और मुझे लग रहा है कि जब ऐसे हालात पैदा होंगे तो प्रदेश को बचाने के लिए सरकार के पास एक ही, केंद्र सरकार के पास विकल्प बचेगा कि प्रदेश में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और प्रदेश को बचाया जाए।